तो दोस्तों आज आप लोग देख रहे हो वर्धमान का ऐसी एक जगह जहाँ पे हनुमान मंदिर, काली मंदिर और सती मंदिर तीनों एक जगह पे मौजूद है। আমি এখানটা পরিষ্কার করে এই বাবা বজরঙ্গবলীকে আমি স্থাপিত করে দিলাম। बहुत साल पहले जब सतीदाह प्रथा चालू था तब इसी जगह पे महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी आप लोगों को इसी वीडियो पे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई जगह एक्सप्लोर करता रहता हूँ। सो लेट्स गो। इतिहास बहुत ही दर्दनाक किस्सों से भरा पड़ा है। टूटी फूटी दीवारों पे रह जाता है समय का जंजाल। वर्धमान शहर की गली गली में बिखरे पड़े हैं ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। हर वक्त चलते फिरते ये सब कुछ आंखों के सामने आता जरूर है, लेकिन इसके पीछे की कहानी अज्ञात ही रह जाता है। ठीक वैसे ही इंसानों की आंखों के पीछे रह गया है वर्धमान का ये सती मंदिर। वर्धमान में तेजगंज नई कॉलोनी के अंदर पक्की सड़क के बगल में लकड़ी से घिरा हुआ एक जगह। इस लकड़ी का गेट खोलकर अंदर जाते ही आंखों के सामने आता है एक टूटा फूटा मंदिर। ठीक इसके पीछे ही और एक मंदिर। इस टूटा फूटा मंदिर के सामने एक आदमी भजिया बेचता है। उनसे पूछते ही उन्होंने इस टूटा फूटा मंदिर को दिखा के बोला, यही है सती मंदिर। केयर ना करने की वजह से ये मंदिर पूरी तरह से टूट चुका है। सतीदाह प्रथा बहुत साल पहले बंद हो चुका है और ये मंदिर भी अपना महत्व खो दिया है। भजिया बेचने वाले से पता चला सती मंदिर में कोई पूजा नहीं होता है, लेकिन काली मंदिर में हर साल जोड़ों शोरों से काली माँ की पूजा की जाती है। ১৯৭৩ में इस काली माँ की प्रतिष्ठा की गई थी एक लंगड़ा महाराज के द्वारा, और जब लंगड़ा साधु की मृत्यु हुई तब उनकी समाधि यहीं पर बना दी गई। लकड़ी से घिरी हुई इस जगह के बाहर एक बरगद का पेड़ है। ठीक इसके नीचे ही खड़ा हुआ है बजरंगबली। भजिया बेचने वाले मतलब कार्तिक मंडल से पता चला इस बजरंगबली की प्रतिष्ठा उन्होंने ही की थी। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो वर्धमान तेजगंज नई कॉलोनी की हनुमान मंदिर, काली मंदिर और सती मंदिर के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई जगह एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।